just let me fall to my grave. Just let me fall to my grave. To kill it. सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मैं नया ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। तो आज हम जाने वाले हैं पालाकमडी। तो वहाँ के जो अच्छे से मतलब प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेस, मैं ट्राई करूँगा घुमाने के लिए, आपको दिखाने के लिए। तो बने रहिए। तो अभी हुआ है टाइम 9 बज रहे हैं, तो मैं निकल रहा हूँ। तो चलिए नीचे जाके मिलता हूँ जल्दी। अभी हम पीछे कार खड़ा है तो निकल रहे हैं अभी, तो जल्दी ही निकल के मिलता हूँ आपके साथ। तो अभी तो 9 बज रहा है जैसे कि मैंने बोला, तो यहाँ से जो है 2 या 2.5 घंटे लगेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, बहुत ही मज़ेदार रहेगा ये ब्लॉग। तो चलिए मिलता हूँ जल्दी। सुबह सभी हम आ गए हैं रायगढ़ों। तो और ही और शायद 20 किलोमीटर है पालाकमडी, तो जल्दी पहुँच जाएंगे। मनु भैया का कुछ काम है यहाँ, सो गए हैं। मैं सो गया था थोड़ा गाड़ी में, क्योंकि जो मौसम है बहुत ही मतलब इको फ्रेंडली है आज। तो डायरेक्ट यहाँ से पालाकमडी जाके मिलता हूँ। वहाँ से एक दोस्त आएगा, उसके साथ मिलके जाऊँगा राजू महल, जो कि आपको दिखाने वाला हूँ आज। एंड पापा का तो कुछ काम है, तो वो उनका काम करेंगे, मैं वीडियो बना लूँगा। तो चलिए मिलता हूँ जल्दी काम ख़त्म करके। उससे पहले कॉल कर लेते हैं क्योंकि टाइम कम है मेरे में। तो चलिए मिलता हूँ जल्दी मैं। तो गाइस अभी जो है पालाकमडी तो ऑलरेडी पहुँच चुका हूँ मैं। तो पापा का यहाँ कुछ काम था, जैसे कि मैं बोल रहा था पापा के साथ आया हूँ, तो RMC हेडक्वार्टर पे कुछ काम था, तो पापा वहाँ बात करने के लिए गए हैं। गोडाउन के बारे में सब तो इतना कुछ पता नहीं है, बस इतना पता है कि गोडाउन के बारे में बात करने गए हैं। तो दोस्त जो आने वाला था मेरा, मतलब मामू, ठीक है, चैतन्य में जब पढ़ रहा था तब फ्रेंडशिप हुई थी हमारी, तो वो अभी आएगा। उसके बाद हम जाएंगे पैलेस, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे, उसके बाद आपको वीडियो भी मिल जाएगा वहाँ का। एंड और भी कुछ बहुत सारे प्लान्स हैं जो कि आपको दिखाने वाला हूँ मैं, अगर टाइम हो पाएगा तो। तो बने रहिए वीडियो में, बहुत ही शानदार रहेगा ये ब्लॉग, पहले से बोल रहा हूँ, बन रही है वीडियो में। सो गाइस यहाँ अभी पापा का वहाँ से तो काम ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर यहाँ कुछ काम था इसलिए फिर यहाँ रुकना पड़ा है। मामू तब से बोल रहा है आ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गया है, तो कुछ आइडिया नहीं कब तक आएगा। तो अभी जो है काम सब ख़त्म होने के बाद मनु भैया गए थे, काम था उनका कुछ, तो वो भी आ गया। पानी बहुत ही चिल्ड है, तो उसके बाद डायरेक्ट जाके लंच करेंगे, क्योंकि मेरे को जोर से भूख लगा है। तो चलो मिलता हूँ जल्दी। उसके बाद जो है ये वीडियो पे, जैसे कि हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ का राजमहल, जो कि वृंदावन है, तो उसके बारे में कुछ बता दूँगा एंड अच्छे से दिखा भी दूँगा। तो तब तक बने रहिए वीडियो में, मैं अपना खुद का काम पहले ख़त्म कर लेता हूँ, आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो चलिए मिलता हूँ जल्दी। बस अभी पापा जी का काम ख़त्म हो गया है, तो मैं अभी मास्क निकाला हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ही ह्यूमिडिटी है, तो ये पूरा मतलब क्या ही बोलूँ। तो चलिए पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। सुबह जैसे ही आप सब देख सकते हैं, आज थोड़ा बहुत भीड़ है पालाकमडी। तो ये जो आगे वाला विजुअल सब देख रहे हैं, ये पैलेस है, तो हम यहाँ जाने वाले हैं। ऑलरेडी आ गया है, वो होटल के सामने ही खड़ा है, तो दिखा देता हूँ। आप सब सोच रहे हो मामू कौन है, किसको बुला रहा हूँ, तो दिखा देता हूँ मैं अभी जाके, तो उससे इंट्रोड्यूस भी कर लूँगा ब्लॉग पे। तो चलिए, तो ये जो बंदा है मामू है, तो ये भैया उनके साथ आए हैं, तो बहुत दिन बाद, तो ये यहाँ का सेलिब्रिटी है, ये तो गलत तो निकाल दो भाई। तो चलो पहले मैं लंच करके आ जाता हूँ पहले। तो ये हैं श्रीकुंज, यहाँ आए हम, पापा और मेरा तो अंदर ऑलरेडी चले गए हैं, तो मैं लंच करके निकल रहा हूँ पहले यहाँ से। सो गाइस अभी जो है लंच कम्प्लीट हो गया है, तो ये बोले थे होटल अच्छा होगा, कहाँ का अच्छा है भाई, इतना तीखा बिरयानी, तो मैं क्या करोगे, मतलब खाना चाहिए, अच्छे से खाना देना चाहिए। तो अभी जो है पहले पहले चलते हैं
तो सेलिब्रिटी साहब कुछ बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे ब्लॉग में? लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। तो इसका भी यूट्यूब चैनल है, ऑप्शन तो ना है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है ठीक। तो पहले डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। सब्सक्राइब लाइक वगैरह जो भी है सब कर देना। तो पहले यहाँ से पहले चलते, बहुत ही मज़ेदार रहेगा ब्लॉग बने रही है वीडियो में। बाबा तुम तेरे को सीधे हो, चलिए मिलता हूँ जल्दी। जो आप पीछे देख रहे हैं ये राजा जी का महल है। तो अभी जो है ये महल अभी बंद है, तो अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो हम बृंदावन महल जाएंगे, उसके बाद मतलब महल पैलेस जो भी है वहाँ जाके मैं आपको दिखा दूँगा। तो चलिए तब तक वीडियो में बने रहिए, एंड अभी चलते हैं हम सिनेमेटिक शॉट के थ्रू। ये पूरा जो फ्रंट का सीन है मैं दिखा देता हूँ, तो देख लीजिए एंड कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा वीडियो। तो चलिए बहुत ही बड़ा है, तो मैं इसका जो है अंदर जाके दिखा देता हूँ एंड पूरा लास्ट तक चल के जाता हूँ, तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो पापा उधर खड़े हैं, ये पूरा पैलेस एरिया है। तो क्या ही मतलब ऊपर तक जाने देंगे ये तो पता नहीं, ये सब तो बहुत ही बड़ा है भाई राजमहल। तो गाइस चलिए मैं कुछ पैलेस के बारे में कुछ बता देता हूँ वैल्यूएबल वर्ड्स। तो ये जो पैलेस है महाराज कृष्णचंद्र गजपति ने बनाया था मतलब 20th of 1835 को। तो ये जो पैलेस तब से है ना, आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार पैलेस है। तो ये जो पैलेस है रोबोट फेलोस ने बनाया था, मतलब डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन जो भी है रोबोट फेलोस ने बनाया था, बहुत ही सही बनाया है वो, क्या ही बोलूँ। तो अभी ये जो पैलेस है अंडर प्रोटेक्शन है इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज का। तो इंडियन टूरिज्म में नहीं गया है पता नहीं क्यों, तो बहुत ही सही है, अंदर जाके मैं दिखा देता हूँ। सो गाइस ये जो है पैलेस का एंट्रेंस है, तो पालाखेमड़ी महाराजा कृष्णचंद्र गजपति ये हैं उस टाइम के रूलर्स। तो ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, तो बहुत ही सही दिख रहा है। तो अंदर जाके मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ से चढ़ के जाना पड़ेगा। टिकट कुछ लगता है ऊपर? 50 कैमरे के लिए मतलब चार्जेस। तो इस बहुत ही बड़ा है देख सकते हैं यहाँ का जो सीन है। चलिए मैं ऊपर चढ़ के ऐसे ही रुकने देता हूँ, दिखा देता हूँ अच्छा लगेगा दिखाने के लिए। फिर भी पीछे पूरा जंगल ओके रुका है, मतलब पूरा जंगल है पीछे। ये पीछे का कुछ एरिया है इनका, तो पूरा जंगल है। तो ये जो सीन है आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार लग रहा है ये वाला। तो मैं पहले बाहर जाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। बहुत ही सही है। तो यहाँ से जो है ऊपर जाना है उस समय का, ये अपस्टेयर्स है। अभी तक तो ठीक ठाक है अभी तक। तो ये जो है पैलेस का ऊपर का नज़ारा है, तो आप देख सकते हैं
कितना बड़ा है, तो फोटोस ले रहे हैं भाई। मैं खुद ही मतलब चलते चलते थक जा रहा हूँ, इतना बड़ा है यार। आई होप ये जो ऊपर का सब सीन है आपको पसंद आया होगा। थोड़ा जो प्रॉब्लम है मेरा मतलब ब्रीदिंग का, थोड़ा थक जा रहा हूँ, तो अभी नीचे चल के दिखा देता हूँ आपको अंडरग्राउंड वाला। तो चलिए स्टेयर्स हैं अंडरग्राउंड के लिए। अंडरग्राउंड बंद है, सो तो यहाँ रास्ता था लेकिन बंद कर लिए हैं ऑलरेडी। कुकुर रास्ता थी बोले, तो ये अंदर से है कुछ तो पूछ के आता है। ये जो है बंद कर लिए हैं ऑलरेडी, तो हमें पूछ के आना पड़ेगा कहाँ से जाने के लिए मतलब रास्ता है यहाँ से। तो चलिए पहले पूछ लेते हैं वहाँ जाके कि भाई साहब बहुत ही बड़ा है। तो एक बात मैं जो है बताना चाहूँगा पहले इसके बारे में, मेंटेनेंस ठीक से नहीं हुआ है। कृपया करके जो भी वीडियो देख रहे हैं मतलब क्या ही बोलूँ, आप खुद ही देख रहे हैं इतना कुछ मेंटेनेंस नहीं हुआ है, ये सही नहीं है। बहुत भी पुराना पैलेस मेंटेन करके रखना चाहिए, लेकिन कुछ मेंटेन नहीं हुआ है। तो चलिए मैं पूछ के आता हूँ अंडरग्राउंड का जो रास्ता है कहाँ से। सुबह उन्होंने बोला कि नीचे जाने से लोग बोल देंगे कि अंडरग्राउंड का रास्ता कहाँ से है, तो नीचे चलते हैं पहले, तो दिखा देता हूँ, बने रहिए। तो चलिए ये सब है कर्मचारी गुडा के भीतर रहुतले सो एमे ही जाई से उनके बैग पर फॉलो करा। अच्छा अच्छा, ये जो पूरा एरिया है रानी साहिब की मतलब यहाँ पूरा उनके सब जो बढ़ानी चाहिए। तो वो जैसे कि बोले मतलब एम्प्लॉयज रहते थे, एम्प्लॉयज बहुत पहले रहते थे, इतना तो गंदा नहीं हुआ। सब रूम एक जैसा ही है मतलब उन समय का रूम जो है सब एक जैसा ही है, आपको आप देख ही चुके होंगे बहुत ही रूम मतलब सिमिलर हैं। सो गाइस चलिए पहले लाइब्रेरी चल के मैं दिखा देता हूँ। पहले बिल्डिंग तो आप देख ही रहे होंगे मतलब कितना कचरा हो गया है, तो कोई अगर आएगा तो मतलब इतना तो इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल प्लेस नहीं लगेगा, तो जाता हूँ फिर भी दिखा देता हूँ आपको। शायद इस तरफ से रास्ता है, हाँ यही है। तो ये सब जो रूम है जैसे कि मैंने बोला था एम्प्लॉयज के लिए हैं मतलब राजा महाराज के रानी साहिबा के, तो ये शायद लाइब्रेरी है जैसे कि उन्होंने बताया था यही लाइब्रेरी है। तो अंदर चलता हूँ मैं और होगा तो दिखा दूँगा, हॉरर प्लेस की तरह लग रहा है ये वैसे भी। लॉक लगा हुआ है रूम पे, हाँ अच्छी। तो भाई पूरा हॉरर ही लग रहा है। ये पीछे का हिस्सा है महल का, तो यहाँ तक पूरा है मतलब इस तरफ जो है रानी साहिबा का है, उस तरफ वाला राजा महाराज जो हमारे महाराज कृष्ण चंद्र गजपति हैं उनका। तो चलिए पहले मैं अंडरग्राउंड दिखा देता हूँ। अंडरग्राउंड जो है मैं फ़ोन से शूट करने वाला हूँ, कैमरा से नहीं शूट कर सकता क्योंकि आप सबको तो पता है, पहले से मैं बता रहा हूँ इसका जो लाइट रेगुलेशन है बहुत ही ख़राब है, तो इसलिए मैं फ़ोन से शूट करूँगा क्योंकि वहाँ बहुत ही अंधेरा होगा, तो थोड़ा क्लैरिटी फ़र्क आएगा अंधेरे में।
तो चलिए दिखा देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा वो वाला शायद, क्योंकि यहाँ इतना कुछ देखने के लिए नहीं है। तो चलिए मिलता हूँ वहाँ जाके जल्दी। सुबह इसके अंदर स्विमिंग पूल भी है, दिखा देता हूँ, बहुत ही खुला स्विमिंग पूल, पूरा एरिया स्विमिंग पूल है, अंधेरा तो बहुत ही है। स्विमिंग पूल रानी, मतलब रानी साहब का स्विमिंग पूल था, तो बहुत ही अंधेरा है भाई। तो फिर से मैं दिखा देता हूँ जो महाराज थे उनका फोटो। हाँ, अंडरग्राउंड, अभी हम अंडरग्राउंड जाने वाले हैं, तो पूरा अंधेरा है, तो चलिए दिखा देता हूँ आपको। বেশি কম জীবাণু কিছু কম বার কম বার যাই পড়া বুঝলি তাই বলে এটা পানি পৌঁছে যাইছে তো আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ বাপ হ্যালো আইয়া মা আজ দেখি দেখি এটা দেখলে না ইলেকট্রিকটা চেঞ্জ হয়েছে রজা বড় হল আছে এটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই হলো না ভাই কিরোসিনের ডিজেল ও বড় হলো ও এবারে মানে ইলেকট্রিক সাপ্লাই হলো না হ্যাঁ ও রজা বড় আজকে টাইম পে তো হ্যাঁ वो डरा रहे हैं बहुत ही। भाई अंडरग्राउंड बहुत ही सही है। अब देख सकते हैं पीछे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये बहुत ही जीवनी जस्ट ठीक है। हाँ अंदर ये सब रूम्स है। थोड़ा थोड़ा मतलब डर डर के जाना पड़ रहा है यहाँ। भाई ये सब रूम जो है अंडरग्राउंड है, मतलब खुफिया जगह। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे बैट्स, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, बहुत सारे बैट्स हैं भाई साहब, इतना सारा यहाँ भी। तो चलिए और अंदर जाते हैं हम, तो इस तरफ जो है मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ क्योंकि कैमरा का जो चार्ज है थोड़ा ख़त्म हो गया है। सो भाई ये सुरंग है खुफिया सा, तो भाई साहब और अंदर तो बहुत ही सही नहीं है, इसलिए मना कर रहे हैं जाने के लिए। तो पहले मैं ऊपर चला जाता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपके साथ। तो ये देख सकते हैं ये जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए। तो चलिए मिलता हूँ ऊपर चल। जो है कैमरा का चार्ज जो है ख़त्म हो गया है, तो अंदर जो है बहुत ही सही है भाई, बहुत ही डरावना है वैसे तो, क्या ही बोलूँ, मतलब वहाँ जो है सांप बहुत निकलते हैं, इसलिए डर रहे हैं जाने के लिए, मना कर रहे हैं, फिर भी मैंने आपको दिखाया तो और अंदर नहीं जा सका। तो चलिए पहले अभी जो है फ़ोटोज़ कुछ ले लेते हैं, एंड इसका जो हिस्ट्री है मैं बता दूंगा आपको। तो चलिए मिलता हूँ जल्दी। सो गाइस आप देख सकते हैं ये जो पैलेस है बहुत ही बड़ा पैलेस है, तो अंडर मेंटेनेंस रखना पड़ेगा इसको, क्योंकि फ्यूचर है पैलेस में बहुत ही शानदार है, मतलब उड़ीसा के लिए जो उड़ीसा टूरिज्म में लेना चाहिए पैलेस को। तो पैलेस के हिस्ट्री में तो इतना कुछ पता नहीं है जितना मैं गूगल पर मतलब सर्च रिसर्च किया था। तो पैलेस जो है 1835 को मिस्टर रॉबर्ट फेलोस ने बनाया था, जो कि पैलेस का ओनर जो है महाराज कृष्णचंद्र गजपति, तो उन्होंने उस टाइम का जो ये पैलेस है बहुत ही शानदार बनाया था। सो ये जो पालाकमडी है मतलब गजपति का हेडक्वार्टर्स यहाँ है, तो लोकेटेड यहाँ है, तो आप आके घूम सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा प्लेस है। तो अंडरग्राउंड तो मैं जाने ही वाला था, लेकिन बहुत ही अंधेरा था, लेकिन जो गाइडर थे हमारे तो उन्होंने मना कर दिया। तो जितना भी है आप प्लीज़
मतलब देख चुके होंगे। आई होप आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो ये जो वीडियो है मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए।